आज नहीं आएगा दोस्तों ट्रेलर, ये कंफर्म हुआ है। वो नितिन देसाई जी जो है उनका डेथ हुआ है, तो आज कैंसिल हुआ है। अक्षय कुमार सर ने आज पोस्ट किया है कि कल ONGC2 का ट्रेलर हमें 11 बजे देखने को मिलेगा। कभी कभी मेकर्स का एक ट्रिक रहता है, तो मुझे लगा था कि वैसा कुछ कर रहे हैं, और मुझे बाद में अंदाज़ा आया था ये जो डेथ हुई है इसकी वजह से पोस्टपोन होगा। ठीक है, कल आएगा, कोई इशू नहीं है। ऐसे वक्त में हम ये भी नहीं बोल सकते यार प्लीज़ आना चाहिए था। पर एक बात ज़रूर कहूँगा, थोड़ा सा एक मन में था कि आ जाए। ठीक है चलो, ठीक है कल 11 बजे कंफर्म है। ऑफिशियल अक्षय कुमार सर जी ने ये पोस्ट किया है। एक बात बोलूँ मैं आपको, इसीलिए रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी, क्योंकि वो पूरे बॉलीवुड की रिस्पेक्ट वो करते हैं, पूरे कोई भी आर्टिस्ट हो, लेकिन उनकी वो नहीं करते रिस्पेक्ट, अक्षय कुमार सर की वो नहीं करते रिस्पेक्ट। क्या कभी करण जौहर ने जिस मूवी में पैसा नहीं डाला होगा अक्षय कुमार की, क्या कभी भी, लेकिन अक्षय कुमार की कोई मूवी ब्लॉकबस्टर हुई होगी, तो क्या करण जौहर ने उस मूवी की तारीफ की क्या कभी? नहीं की। जब अक्षय कुमार विथ करण जौहर आता है और अगर वो मूवी अच्छी जाती है जैसे गुड न्यूज़, तब करता है वो तारीफ, क्योंकि वो खुद की मूवी रहती है। जब मिशन मंगल मेरे अकॉर्डिंग और पृथ्वी हाउसफुल 4 अच्छी गई थी, तब कुछ किया क्या? किसी ने प्रेज किया था क्या? नहीं। रियलिटी ये है पूरे बॉलीवुड की, हम किसी को अगर अच्छा माने, अपना माने, ज़रूरी नहीं कि वो अपना माने। ये अक्षय कुमार सर और अजय देवगन जी को सीखना चाहिए, दोनों भी सर को, क्योंकि बहुत से लोग आपके दुश्मन हैं, मुझे जो लगता है, इवन सनी देओल जी के भी। चलो टेक केयर, कल आएगा ट्रेलर। हाँ आई एम सैड एक्चुअली, पर कोई नहीं, टेक केयर।